चलिए मान लीजिए हमने 2 मिनट के लिए मान लिया कि ये चोर आ गया और ये शटर उठ गया। हाँ, शटर जब उठेगा तो यहाँ शटर अलार्म एक ऐसी चीज सामने आई है जिससे आपको फौरन यानी कि जू ही अगर आपके शटर को कोई हाथ लगाता है उसी टाइम आपको खबर मिलेगी कि आपके शटर से किसी ने छेड़छाड़ की है, उसी टाइम आपको खबर मिलेगी कि आपके घर के दरवाजे खुले हुए हैं, और इसी के साथ साथ आपको उसी टाइम फोन भी आएगा और उसी टाइम आपको SMS भी आएगी कि आपके शटर के साथ छेड़छाड़ हुई है। और इस आए दिन चोरियों की वारदात में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। हर रोज कहीं ना कहीं जिले से ऐसी खबर सामने आती है जहां पर चोरी की कोई ना कोई वारदात सामने आती है, चाहे हम बात करें रेसिडेंशियल इलाकों की या कमर्शियल बिल्डिंग्स की, दुकानों की बात करें या घरों की बात करें, हर एक जगह से ये शिकायतें मौसूल होती रहती है कि चोरियों की वारदात में इजाफा हुआ है, कहीं ना कहीं पे चोरी का वारदात जो है वो पेश आया है। इन सब चीजों से निमटने के लिए कहीं ना कहीं हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूर करते हैं, चाहे हम अपने घरों में CCTV कैमरास लगाते हैं या दुकानों में उन्हें इंस्टॉल करते हैं चोरी की वारदात उससे बचने के लिए, ताकि अगर हमारे घरों में या हमारे दुकानों में चोरी हो तो अगले दिन हम वो फुटेज देख सकते हैं कि किसने चोरी की है और उसे ढूंढने की कोशिश करें। लेकिन उसके लिए हमें पहले मतलब ये देखना पड़ता है कि चोरी हुई और उसके बाद हम उस वीडियो को देखते हैं और उसके बाद उसे शेयर करते हैं, सर्कुलेट करते हैं, ताकि हम उस चोर को पकड़ सके। लेकिन आज की दुनिया में जहां बदलता हुआ दुनिया है, जहां टेक्नोलॉजी का दौर है, जहां टेक्नोलॉजियां बढ़ती हुई नजर आ रही है, वहीं पर आज हम आपको एक ऐसी चीज दिखाते हैं जो आपके काम की है, आपके दुकानों की सुरक्षा के लिए, आपके घरों की सुरक्षा के लिए, हर एक चीज की सेफ्टी के लिए उस चीज को बनाया गया है जिसे हम शटर अलार्म कहते हैं। शटर अलार्म एक ऐसी चीज सामने आई है जिससे आपको फौरन यानी कि जूं ही अगर आपके शटर को कोई हाथ लगाता है उसी टाइम आपको खबर मिलेगी कि आपके शटर से किसी ने छेड़छाड़ की है, उसी टाइम आपको खबर मिलेगी कि आपके घर के दरवाजे खुले हुए हैं, और इसी के साथ साथ आपको उसी टाइम फोन भी आएगा और उसी टाइम आपको SMS भी आएगी कि आपके शटर के साथ छेड़छाड़ हुई है। और इसके साथ साथ एक बात ये भी ख्याल रखिए कि जो भी शटर के साथ छेड़छाड़ करेगा वहां पे एक बड़ी सी सायरन लगी होगी जो उस चोर को वहां पे चोरी करने से रोकेगी और उसे भागने पर मजबूर करेगी, क्योंकि सायरन इतनी स्ट्रांग है। तो आइए इस प्रोडक्ट पर हम नजर डालते हैं कि आखिरकार ये प्रोडक्ट क्या है और कैसे काम करता है और कैसे ये आपको चोरों से बचा सकती है। हमारे साथ यहाँ पर इमरान नजीर साहब जुड़े हुए हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे चोरी की वारदात को रोका जा सकता है नई टेक्नोलॉजी के जरिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो आप हमें समझाइए कि क्या सिस्टम है ये, कैसे काम करता है और कैसे चोरियों की वारदात जो है उससे निपटा जा सकता है, और कैसे हम चोरियों की वारदात में जो है कमी आ सकती है इन चीज़ों से टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। देखिए सर, जैसा आपका कहना है कि चोरी हम कैसे रोका सकते हैं, तो होता क्या है अक्सर कि जब चोरी होती है तो बहुत वो साइलेंटली आता है और अपना काम कर जाता है, उसके बाद हमारे पास फुटेज रह जाती है, हमारी दुकानों में RED CCTV कैमरास लगे रहते हैं तो हमारे पास वही रहता है, तो उस सब रिकॉर्ड ढूंढने में वो हमें दूसरे दिन पता चलती है कि यहाँ पे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो उससे क्या होता है, उससे दुकान मालिक का खून जलता है कि कैसे चोरी हुई है कैसे नहीं हुई है, बहुत तो नुकसान होता है। हाँ, उसके बाद हमें ये पता चलता है कि वो चोर भी नहीं पकड़ा गया, तो उससे हमें टाइम बर्बाद होता है। तो हमारे पास ऐसी एक डिवाइस आई है जो कि दुकान के शटर के बॉटम में लगता है, तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि वक्त पर चोर को भगाना, उसके बाद कस्टमर ये दुकान मालिक को कॉल करना, तो ये ऑटोमेटिक कॉल भी करती है, सायरन भी बजाती है। तो ये ऑटोमेटिकली कॉल भी करती है, सायरन बजाती है, सब कुछ ठीक। बिल्कुल, देखिए सर हम इसका डेमो देंगे, ये कॉल कैसी करती है और ये सायरन कैसी बजाती है, इसकी सायरन की बीप कितनी तेज है, तो वो हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। ठीक, जरा आप दिखाइए हमारे नाजरीन को कैसे। जब हम ये शटल में लगाते हैं उसके बाद हम शटल डाउन करते हैं। ठीक, तो ये हो गया शटल डाउन। हाँ बिल्कुल ठीक, ये शटल पे लगेगा तो शटल हो गया डाउन, शटल हो गया डाउन। उसके बाद क्लाइंट बाहर जाएगा और शॉप बंद करने लगेगा, दायां ताला बायां ताला बीच का सेंटर लॉक वो भी करेगा, उसी के टाइम में एक बीप सुनाई देगा जो कि आप जो अभी बीप हुई। हाँ, बीप के बाद ये SMS डालेगा, ये SMS रजिस्टर नंबर पे आएगा, जो रजिस्टर नंबर इस पे होगा। हाँ बिल्कुल, तो कितने नंबर हम
यहाँ पे आप देख सकते हैं जूही बीप बजी, तो यहाँ पे एक एसएमएस आया है कि शटर क्लोज, सिस्टम एक्टिवेटेड, बैटरी स्ट्रेंथ 81%। डैट मीन्स कि आपने दुकान जो है वो बंद कर दी है और सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो गया है। तो ये एसएमएस आती है रजिस्टर्ड नंबर को, तो कितने नंबर जो है रजिस्टर कर सकते हैं? जी सर, हम एक से लेकर पांच नंबर तक इसको ऐड कर सकते हैं। एक से लेकर पांच नंबर? बिल्कुल ठीक। तो उसके बाद कैसे ये काम करता है? उसके बाद जब क्लाइंट को सुबह आना है तो सिस्टम एक्टिवेशन मोड पे है, उसको सिंपली इस नंबर पे कॉल करना है, ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। अदरवाइज अगर रात को चोर आता है, चोर क्या करता है, चोर आराम से धीरे धीरे शटर उठाता है, चाहे संबल से उठाए या ताला तोड़े या गाड़ी से। चलिए मान लीजिए हमने दो मिनट के लिए मान लिया कि ये चोर आ गया और ये शटर उठ गया। हाँ, शटर जब उठेगा तो आपका जो शटर है वो एक्टिवेट हुआ, किसी ने छेड़छाड़ की है और ऊपर से इसके साथ साथ कॉल भी आई है। हाँ, बिल्कुल, दैट मींस की कॉल भी आई है। हाँ, अगर एक नहीं उठाएगा उसके साथ जो भी दूसरा रजिस्टर्ड होगा उसके भी कॉल आएगी। ठीक है, और इसको डिस्कनेक्ट करने का तरीका ये है, हम सिंपली इसको वन दबाएंगे कॉल उठा के, तो ये ऑफ हो जाएगा। तो ये ऑफ हो जाता है ऑटोमेटिकली? बिल्कुल। तो देखिए नाज़रीन कि कैसे सुरक्षा जो है वो आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कि कैसे जो सिस्टम है वो काम करता है, क्योंकि इन चीज़ों की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आए दिन चोरियों की वारदात में इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए फिर से आपको दिखाएंगे कि पहले ही जब इन्होंने सिस्टम जो है एक्टिवेट किया था उस टाइम, फॉर एग्जाम्पल आप सोच लीजिए कि दुकान आपने बंद कर ली, उस टाइम आप शटर क्लोज कर देते हैं और सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, और उसके बाद मान लीजिए कि चोर आ गया रात में और वहां पे आपको एसएमएस आई पहले ही, शटर ओपनड, साइरन एक्टिवेटेड, यहां पे सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो गया है। और उसके साथ साथ जो ही सिस्टम एक्टिवेट होता है, साइरन एक्टिवेट होती है, शटर ओपन होता है, तो कॉल आ जाती है, क्योंकि रात के अंधेरे में जब नींद होती है, मान लीजिए आपने जो साइरन है वो आपने जो एसएमएस है वो नहीं देखी, तो उस टाइम आपको ये सिस्टम क्या करता है, ये आपको कॉल करता है कि आपके शटर के साथ है किसी ने छेड़छाड़ की है, किसी ने छेड़खानी की है, किसी ने शटर तोड़ने की कोशिश की है, तो वहां पे आपको कॉल आएगी और आपको उसी टाइम, आपको सीसीटीवी फुटेज का वेट नहीं करना है, उसी टाइम आप तक खबर पहुंचेगी कि आपकी दुकान की जो है वहां पे लोग आए हुए हैं, वहां पे चोरी करने के लिए कोई आया है, शटर के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है। तो उसके बाद यहां पे इन्होंने दिखाया कि इसे एक्टिवेट, जो डीएक्टिवेट कैसे करना है, तो आप से जानना चाहेंगे कि इसके बाद जो ही ये डीएक्टिवेट हमने किया, फॉर एग्जांपल हम सुबह जब दुकान पे आते हैं दुकान खोलने के लिए, तो उस टाइम भी ये साइरन बजेगी, तो उस टाइम पहले कैसे इसे डीएक्टिवेट करना है शटर खोलने के लिए? तो ऑलरेडी जब शॉप में लगा हुआ है हमारा सेंसर, ठीक, डिवाइस अंदर लगी हुई है, तो शॉप वाला क्या करेगा, वो बाहर ही इसको कॉल करेगा, जैसे आमतौर किसी को इस नंबर को कॉल करेगा, इस नंबर पे कॉल करेगा, ठीक, तो ये यहां से थोड़ी सी बीप निकालेगा, जैसे ये एक्टिवेशन मोड पे थोड़ी सी बीप देता है, उसी तरह ये डीएक्टिवेशन मोड पे भी थोड़ी सी बेप देगा, उसके बाद एसएमएस भेजेगा कि आपका सिस्टम डीएक्टिवेट हो गया, उसके बाद ये भी आएगा कि किस नंबर ने डीएक्टिवेट किया है, क्योंकि पांच नंबर इसमें ऐड होते हैं, ठीक, तो आप पता नहीं किसने किया होगा, किसने किया होगा। हाँ, तो दुकान मालिकान से ये भी एक मैसेज दी जा रही है कि दुकान मालिकान को भी पता चलेगा कि कौन डीएक्टिवेट कर रहा है, कौन एक्टिवेट। तो मान लीजिए दो मिनट के लिए, क्या ये जो सिस्टम का नंबर होता है जिसपे कॉल करनी है, क्या ये सब सिस्टम का एक ही नंबर होता है या अलग अलग नंबर होते हैं, क्योंकि ये भी सोचने वाली बात है ना, सिस्टम का एक ही नंबर होता है, तो इस पे खाली रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से हम कॉल कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई चोर, किसी चोर के पास इस सिस्टम का नंबर आ जाए, वो अनरजिस्टर्ड मोबाइल से कॉल करेगा, तो उससे ये इसको कोडिंग होती है, वो दुकान मालिक को पता होती है कि इसको इसकी कोडिंग क्या है, ठीक, ये एक्टिवेट कैसे करते हैं, ये डीएक्टिवेट कैसे करते हैं, तो इस पे सिर्फ रजिस्टर्ड नंबर से कॉल जाती है, तो ये महंगा भी होगा, क्योंकि जो हर कोई दुकानदार है वो इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि इतना बड़ा सिस्टम है, इतनी जो इसकी ड्यूरेबिलिटी है, इसकी बैटरी स्ट्रेंथ है, और यहां पे अगर आप देख सकते हैं यहां पे इसकी जो डिटेल्स है वो दी हुई है कि अलर्ट अप टू 5 मोबाइल नंबर्स, वेव एसएमएस एंड कॉल, इंटॉलरेबल हैवी ड्यूटी साउंड, वायरलेस सिस्टम है, बाकी चीजें हैं, रिचार्जेबल बैटरी है, और यहां पर खास एक बात है 12 से 15 दिनों तक इसकी जो बैटरी है वो बैकअप में रहती है, बैटरी बैकअप इसका 12 से 15 दिन में। तो इसकी प्राइस क्या है, क्योंकि एक सिस्टम यहां पे हमारे सामने है, इतना पावरफुल सिस्टम और इतना सिस्टम, तो इसकी प्राइस क्या होती है? देखिए सर, प्राइस तो इसकी
5,000 से ऊपर ऊपर जाती है ठीक, जब हम ऑनलाइन खरीदते जाते हैं। मार्केट वैल्यू जो हाँ, इसकी मार्केट है वैल्यू इसकी है, तो ऊपर से कोरियर चार्जेस भी लगता है, तो इसकी प्राइस ऊपर चली जाती है। लेकिन मेरे पास में 5,000 इसकी प्राइस है। 5,000 जब भी किसी को इंस्टॉल करना होता है, आज मेरा ऑफर है, मैं 4,500 में इंस्टॉल करके देता हूँ। ठीक ठीक 4,500 आप इंस्टॉल करके भी देते हैं, तो यहाँ पे ये एक ऑफर चल रहा है आप सभी के लिए। आपसे अगर आपके दुकानों में इसकी जरूरत है तो आप आ जाइए, इनसे ये ले लीजिए और ऑफर का फायदा उठाइए, क्योंकि 5,000 आज इनकी तरफ से 500 का ऑफर दिया जा रहा है। और जो सर्विस चार्जेस हैं, यानी कि इंस्टॉलेशन चार्जेस है, वो बिल्कुल फ्री है। इंस्टॉलेशन चार्जेस कोई भी नहीं है, बिल्कुल फ्री ये लगा के देंगे, एक्टिवेट करके देंगे। जहां पर प्राइस की बात आती है, तो आपने कहा कि ऑफर के साथ ये 4,500 रुपीज में है। अब किसी एक बिजनेसमैन के पास चार दुकानें हैं, पांच दुकानें हैं, शटर लगे हुए हैं चार पांच, तो उसे मतलब अगर हम 4,500 के लिहाज से करें तो उसे फिर 10-20 हज़ार खर्चा करना पड़ेगा, तो वो तो उसके लिए महंगा हो जाएगा ना। उसके लिए क्या ऑफर है? देखिए सर, मेरे पास उसके लिए क्या ऑफर है, मेरे पास उसके लिए एक मेन डिवाइस आती है, उसके साथ सेंसर आते हैं। ठीक, वो मेन डिवाइस क्या करती है, उसके साथ जो भी शटर हम कनेक्ट करेंगे वो कनेक्ट हो जाएंगे, यानी 50 फीट में 100 शटल्स वो कवर कर सकता है। तो यानी कि भी आते हैं, खिड़कियां भी आती हैं, जो भी वो करना चाहे वो हम करके देंगे। तो डेट मीन्स की मतलब अगर किसी के पास मान लो 10 दुकानें हैं, 10 शटर है, तो खाली एक सिस्टम लगाना पड़ेगा, खाली कनेक्ट करना है आपस में शटर उसको, उसके लिए बॉटम में सेंसर लगेगा और मेन डिवाइस उसको ऑफिस में कहीं भी लगेगा, सिर्फ एक डिवाइस। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है, अगर कोई ये सोचेगा कि मेरे पास चार दुकानें हैं, पांच दुकानें हैं, उन सब के लिए इतना खर्चा नहीं कर सकता, तो उनके लिए भी ये एक चीज ऑफर में है। यहाँ पे उनके लिए एक खुशकिस्मती की बात है कि उनके लिए उन्हें अलग अलग डिवाइस जो है वो नहीं खरीदने होंगे, सिर्फ एक डिवाइस खरीदना है और सेंसर लगाने हैं, बाकी जितनी भी शटर्स उनके पास है उससे ये कनेक्टेड हो जाएगा। तो आपका एड्रेस क्या है, कहाँ पे अगर कोई आना चाहे तो कहाँ पे आए आपके पास? देखिए, आपको आना है ये बटपोरा जो मेन रोड आता है, बॉयज हेड सेकेंडरी, बॉयज हायर सेकेंडरी के अपोजिट में हमारी शॉप है, हमारा ऑफिस यहीं पे है। ठीक, तो बॉयज हायर सेकेंडरी के पास इनकी दुकान है, वहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे इस चीज का लुत्फ उठाइए, क्योंकि इन चीजों की जरूरत है जहाँ पर बढ़ती हुई चोरियों का रुझान देखने को मिल रहा है। तो आपका नंबर, जो लोग आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं उनका, आप उन्हें आप अपना नंबर दे दीजिए। देखिए सर, मेरा नंबर 7889472987, मैं फिर से दोहराता हूँ, 7889472987। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए और लोगों की भलाई के लिए काम करने के लिए और यहाँ पे ये सिस्टम लाने के लिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका।